हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, जो बच्चे स्पोर्ट्स स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं जिसमें पूरा का पूरा स्पोर्ट्स की सारी एक्टिविटीज़ होंगी, तो ये वीडियो को पूरा देख ले, पूरा सुन ले, ठीक है। सिक्स से लेकर ट्वेल्थ क्लास के बच्चों के लिए पहले मैं आपको बता दूँ, और इसमें एज भी है, और इसमें कौन कौन सी गेम्स होंगी जिसमें आप हुनर रखते हैं और अपनी काबिलियत को इस स्कूल में एडमिशन के द्वारा दिखा सकते हैं, क्योंकि ये दिल्ली के द्वारा जो है वो एक यूनिवर्सिटी बनाई गई जिसका नाम है दिल्ली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी। तो इसके जो एडमिशन करवाने के लिए जो रजिस्ट्रेशन है ना, वो 22 जो है वो जून से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। आपको ऑनलाइन इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, उसके बाद आपका जो है जो मेरिट लिस्ट तैयार होगी, उसके बाद जो इसमें टेस्ट वगैरह होंगे, मेडिकल टेस्ट होंगे, उसके बाद अगर आप सेलेक्ट हो जाते तो आपको इस स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। इसका मेन जो लक्ष्य है ना, वो ये है कि हम इंटरनेशनल लेवल पर एक ऐसे खिलाड़ी दे सकें जो बहुत बढ़िया साबित हो, ठीक है, और ओलंपिक के खेलों में इनाम जो है मेडल वगैरह वो जीत कर लाएँ। वीडियो को पूरा सुन लेना, ठीक है। तो 10 इसके अंदर जो है स्पोर्ट्स को कवर करवाया जा रहा है, ताकि आप पूरी तरीके से उसमें हुनर ला सकें, ठीक है। और 6 से लेकर 12 क्लास के लिए एज ग्रुप अभी देख लेना, ठीक है। देखो, इसमें आर्चरी है, ठीक है, इसमें एथलेटिक्स का है, इसमें बैडमिंटन का है, बॉक्सिंग का है, ठीक है, जिनका लक्ष्य ही स्पोर्ट्स में जाने का है, ठीक है, और स्पोर्ट्स में ज़्यादा मन लगता है, पढ़ाई में कम लगता है, ठीक है, तो वो इसमें ज़रूर ट्राई करें, ठीक है। बाकी पढ़ाई तो एक तरह से एक लेवल चाहिए होता है। स्विमिंग, टेबल टेनिस, वेट लिफ्टिंग, ठीक है, रेसलिंग, ये सब है इसमें, ठीक है। और खेल प्रदर्शन पर प्रमुख ध्यान देते हुए विशेष खेल एकीकृत शैक्षणिक पाठ्यक्रम है ये, ठीक है, और पूरी तरह से यूनिवर्सिटी है जो पूरा स्पोर्ट्स पर ध्यान देगी। इसमें जो मीडियम होंगे वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों को लिया जाएगा, ठीक है। और देखो, 6th और 7th इसको इकट्ठा रखा गया, इसके अंदर इस एकेडमिक की बात की गई है, ठीक है, मतलब मेन सारा खेल का काम होगा इसमें। आपको पूरा खेल पर ध्यान देंगे और ट्रेनिंग आपकी इसमें करवाएंगे, ठीक है। ये जो जो खेल है ना, बैडमिंटन का, टेबल टेनिस का, जिस बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग ये काम होगा, ठीक है। ये सारा का सारा भी हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम देखेंगे तो उसके बाद 8th और 9th वालों के लिए, तो यहाँ पर उनके लिए क्या क्या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं वो सेम ही रहेंगी, वही जो है। अगर आप 6th और 7th में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं इस स्कूल में, तो अगर आप 6th क्लास में लेना चाहते हैं तो आपकी उम्र 11 से 13 के बीच में होनी चाहिए, और अगर आप 7th में लेना चाहते हैं तो 12 से 14 साल की होनी चाहिए, ठीक है। और एक बात और सुन लीजिए, जिस कक्षा के लिए आवेदन कर रहे हैं तो वह उससे पिछली कक्षा में पास होना चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपने ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने वो क्लास करी ही नहीं है, ठीक है, सुन ले मेरी बात। और मांगे जाने पर विद्यार्थी चुने हुए खेल में अपनी भागीदारी उपलब्धि के समर्थन में पसंदीदा दस्तावेज प्रस्तुत करने में सक्षम होना चाहिए, मतलब आप जिस खेल में जा रहे हैं तो उसके ऊपर आपके पास कुछ हुनर वगैरह होना चाहिए, कुछ नॉलेज वगैरह होना चाहिए। 6th क्लास का बच्चा है तो उसमें क्या होगा, वो रजिस्ट्रेशन जब करेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। 8वीं 9वीं के लिए एज ग्रुप दे रखी है, ऐसी बोला गया कि आप पिछली क्लास से पास होने चाहिए, और बाद में जैसे कोई दस्तावेज वगैरह मांगते हैं, ठीक है, तो वो आपसे लेंगे, वो आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, अभी वीडियो सुन लो ना, ठीक है, क्योंकि बच्चे पूरी जानकारी लेते नहीं, फिर कमेंट में पूछते हैं तो फिर मुझे थोड़ा और सा लगता है अगर रिस्पॉन्स ना दूँ तो। डिक्लेरेशन में आप जब ऊपर पूरा पढ़ लेते हैं तो उसके ऊपर आप क्लिक कर देते हैं, फिर उसके बाद आप अपना फॉर्म जो है वो आगे जो है वो सबमिट करते हैं, ठीक है। तो इसकी एक अलग वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और जितना हो सके शेयर कर दें, और अगर स्पोर्ट्स में मन है तो ज़रूर इसमें ट्राई करना, नंबर आ जाता है तो लाइफ चेंज हो जाएगी, ठीक है, गेम चेंजर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।